उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 10 सितंबर को हुई खो खो की नेशनल खिलाड़ी की हत्या का मामला सुलझा दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से तमाम सामान बरामद किए गए हैं। इस घटना के बाद खिलाड़ी की उस बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है जो उसके दोस्त ने सुना था। इस ऑडियो में पीड़िता ये कह रही है, अंकल मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। इस घटना के बाद पुलिस ने शहजाद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करता था। बिजनौर के एसपी का कहना है कि शहजाद बिजनौर के ही खादमपुर गांव का निवासी था। वो रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करता था और नशे का आदि था। वो अक्सर नेशनल प्लेयर को वहां से आता जाता देखता था। रेप की कोशिश में नाकाम होने पर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना के दिन युवती करीब 2 बजे रेलवे स्टेशन के पास रखे स्लीपर्स के चट्टे के बीच मोबाइल फोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए घर जा रही थी। उसी दौरान युवती के मित्र ने फोन पर उसकी चीख सुनी जिसमें वो कह रही थी, अंकल मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान शहजाद ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वो गांजे और चरस का नशा करता था। उसे पता था कि युवती रेलवे स्लीपर्स के बीच से आती जाती है। अधिकारी ने बताया कि 10 सितंबर को आरोपी के पास कोई काम नहीं था, उसने नशा किया और युवती का इंतजार करने लगा। युवती के वहां पहुंचने के बाद आरोपी ने उसे स्लीपर्स के बीच की खाली जगह में घसीटा, लेकिन उसके विरोध करने और शोर मचाने पर रस्सी और दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। 10 सितंबर के अपराध में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में जो सार संकलित है, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा। कुछ लोगों के आहत हुई आने के भी जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई, किसी प्रकार का व्यवचार, वहां से भागा मोबाइल फोन लेकर के, क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी, बात हो रही थी। उसके फ्रेंड ने जिसकी बात हो रही थी उसने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, अपने दोस्त को, फिर आकर के देखा लोगों ने, पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद घटना समीक्षण स्थानीय पुलिस बल जीआरपी स्क्वाड सर्विलांस क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा किया गया। विधिक कार्रवाई करते हुए पहले तो जीआरपी में मुकदमा कायम हुआ, फिर सिविल पुलिस में मुकदमा कायम हुआ। डीआईजी रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अनावरण विशेष टीमों का गठन किया गया। जो मौके पर चप्पल मिला था, पूरा अभियुक्त ने दूसरा चप्पल उसके दूर थोड़ी दूर पर बरामद कराया। जो स्ट्रगल के दौरान जो शहजाद खादिम का जो स्ट्रगल हुआ, उसके जो स्ट्रगल मार्क है, संघर्ष के निशान, वो देखा गया। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ। ब्लड स्टेन जो खून के धब्बे जो घसक टाइप में उसके शर्ट में लगे थे, उसके घर से बरामद हुआ, या जब उसकी पत्नी ने शर्ट को धोल दिया था, फिर भी खून के उस पर धब्बे थे। मौके पर जो बटन शर्ट का टूटा था वो 2 बरामद हुआ, उस शर्ट से मिलान हुआ।